हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, अष्टांग हृदय का हमने प्रथम अध्याय आयुष कामीय अध्याय स्टार्ट कर दिया था, और जहाँ पर मैंने इसके शुरुआत के जो 4-5 श्लोक है वो मैंने आपको पढ़ा भी दिए थे। आज हम इसके आगे के श्लोक पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आपके जो डाउट है उसको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, कुछ स्टूडेंट का कहना यह था कि भैया क्या हमें सारे श्लोक याद करना होते हैं? तो नहीं गाइस, आपको जो इम्पोर्टेंट श्लोक है वही आपको पढ़ना होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है उसमें से कौन कौन सा श्लोक इम्पोर्टेंट है। तो मंगलाचरण जो श्लोक है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, नहीं याद होगा तब भी चलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें आयुर्वेद का महत्व, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट श्लोक है, इसे आप याद कर लेना। उसके बाद आयुर्वेद का अवतरण मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद अगर हम अष्टांग आयुर्वेद की बात करें तो अष्टांग आयुर्वेद जो है, अष्टांग हृदय का महत्व इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी अष्टांग हृदय की, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप क्या कर लेना, याद कर लेना, ठीक। चलिए, उसके बाद हम आगे आगे के जो श्लोक है प्रथम अध्याय के उसको पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले मैं एक और आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। मेरे पास कई स्टूडेंट बोल रहे थे कि भैया इस लेक्चर के नोट्स कहाँ पर मिलेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मेरा टेलीग्राम चैनल है @ayurvedawings, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर मैंने इस चैप्टर के नोट्स अभी तो अपलोड नहीं किया, लेकिन मैं कर दूंगा ये लेक्चर अपलोड करने के बाद, ठीक है। तो आपको सारा जो कंटेंट है, जो भी मैं लेक्चर लाता हूँ उसके नोट्स जो है वहीं पर आपको मिलेंगे। मैंने वहाँ पर बुक्स भी अपलोड कर रखी है, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, तो वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। साथ में गाइस, मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि इसका जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला अष्टांग हृदय का, वो कहाँ पर आएगा, दिनचर्या जो टॉपिक है वो मेरे अनादर यूट्यूब चैनल जो कि @ayurvedawings, उसे अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका भी लिंक आपको इस वीडियो में मैंने दे रखा है, वहीं पर पढ़ाई से रिलेटेड पूरा कंटेंट आपको मिलेगा, सारे लेक्चर्स पढ़ाई से रिलेटेड वहीं पर मिलेंगे। इस चैनल पर आपको आयुष से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, काउंसलिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिलेगी, ठीक है। तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में उसको भी कर लीजिए, ताकि यहाँ पर मैंने ऐसा इसलिए किया है कि पढ़ाई से रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो एक जगह पर रहे और बाकी जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती है वो यहाँ पर रहे, तो आपको क्या होगा, ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है त्रिविध दोष। तो देखिए गाइस, आप जब आयुर्वेद में जैसे इंटर किए होंगे तो आपने सबसे ज़्यादा जो टॉपिक टीचर से या सीनियर से सबसे ज़्यादा टॉपिक यही सुना होगा, दोष। अब आप भी कन्फ्यूज हैं कि आखिरकार ये दोष होता क्या है ना, दोस्त 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 तो बहुत सुंदर, लेकिन आखिरकार के होता क्या है। तो चलिए, मैं आपका जो दोस्त का कंसेप्ट है वो आज क्लियर कर देता हूँ, ठीक। तो चलिए देखिए, तो क्या होता है कि आयुर्वेद ये बोलता है कि इस संसार में जितनी भी जो चीज़ें होती है वो कैसे होती है, पंच महाभौतिक होती है। मतलब सारी चीज़ें जो है वो किसके बनी हुई है, महाभूत की बनी हुई है, जो कि पाँच तरह के महाभूत होते हैं। पंच महाभूत कौन कौन सा होता है, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि, ये पंच महाभूत होते हैं। और इन पंच महाभूत से ही क्या बना है, जितनी भी चीज़ें होती है संसार में वो सारी चीज़ें बनी हुई है। वैसे ही जितने भी आचार्य होते हैं या आयुर्वेद ये बोलता है कि हमारा जो शरीर है वो भी कैसे है, पंच महाभौतिक है, पंच महाभूत प्लस चेतना। चेतना मतलब क्या होता है, चेतना मतलब क्या होता है, आत्मा। तो इन पंच महाभूत और चेतना यानी कि आत्मा जब मिलती है तो किसका निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है। तो अच्छी बात है, आप बोल रहे हैं भैया चलो अच्छी बात है कि शरीर जो होता है पंच महाभौतिक होता है और चेतना से जब मिलता है तो शरीर का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो आप ये बताइए कि यहाँ पे दोष क्या होता है। तो देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा शरीर जो होता है कैसा होता है, पंच महाभौतिक होता है। तो पंच महाभूत में से जो दो महाभूत होते हैं, कौन सा, एक तो पृथ्वी और दूसरा क्या होता है, आकाश। ये कैसे होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। ये कैसे होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, निष्क्रिय। और ये कैसा होता है, निष्क्रिय होता है। और पृथ्वी से क्या किसका निर्माण होता है, हमारे जो आधार स्वरूप है, मतलब हमारी बॉडी के जितने भी ठोस पदार्थ है वो किससे बने होते हैं, पृथ्वी से बने होते हैं। और अगर हम आकाश की बात करें तो आकाश से क्या बनता है हमारी बॉडी का, जितने भी खाली स्थान है, है ना, जितने भी खाली स्थान है वो किससे बने होते हैं, आकाश महाभूत से बने हुए होते हैं। और ये जो पृथ्वी महाभूत से जो चीज़ें बनती है जो कि हमारा आधार स्वरूप है, आकाश जो भी खाली स्थान है, वो दोनों कैसे होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। निष्क्रिय मतलब ये क्या करते हैं, कोई काम नहीं करते। ये दोनों क्या होते हैं, कोई काम नहीं करते हैं।
और अगर हम वायु की बात करें तो वायु से किसका निर्माण होता है, वात दोष का निर्माण होता है। और अगर हम जल की बात करें तो जल तत्व जो होता है वो क्या करता है, कफ का निर्माण करता है। और अगर हम अग्नि की बात करते हैं तो अग्नि जो होता है वो किसका निर्माण करता है, पित्त से निर्माण करता है। और ये तीनों जो होते हैं वात पित्त कफ, ये कैसे होते हैं, क्रियाशील होते हैं। ये तीनों जो होते हैं, ये तीनों जो होते हैं क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। और जो चीज़ क्या करती है, फंक्शनल होती है, तो उसमें विकृति होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये तीनों जो दोष है, वात पित्त कफ, जो कि किससे बने हुए हैं, वात जो होता है वायु से बना हुआ है, जल जो जल तत्व से कफ बना हुआ है, और अग्नि तत्व से क्या बना हुआ है, पित्त बना हुआ है। तीनों जो तत्व होते हैं क्रियाशील होते हैं और हमारे शरीर को क्या करते हैं, धारण करते हैं। तो इसीलिए ये जो आपको श्लोक दिया गया है, वायु पित्तम कपश्चेति त्रयो दोषाः समासतः, मतलब वात पित्त कफ जो होते हैं ये हमारे बॉडी के तीन दोष होते हैं। क्या होते हैं, वात पित्त कफ जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारी बॉडी के तीन दोष होते हैं। और ये दोष जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे शरीर को क्या करते हैं, धारण करते हैं। और जो धारण करती है उनको हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो वात पित्त कफ जो होते हैं केवल दोष ही नहीं, अब ये दोष ही नहीं है अपितु ये क्या है, धातु है। और तथ्य ये कि पहले धातु है, मतलब पहले क्या करते हैं, हमारे शरीर को क्या करती है, धारण करती है। और चूंकि हमारे शरीर को धारण करते हैं इसीलिए इसे हम क्या करते हैं, धातु करते हैं। और जब यही क्या हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं, वात पित्त कफ जब क्या हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, दोष कहलाते हैं। तो अगर आपसे पूछें कि वात पित्त कफ क्या है, तो पहले क्या है, ये धातु है, मतलब हमारे शरीर क्या करती है, धारण करती है। और जब इनमें कोई विकृति पैदा होती है, अब विकृति कैसे पैदा होती है, जैसे कि आपको पता चलेगा कि वात पित्त कफ जो होते हैं वो हमारे शरीर में सभी जगह प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फिर भी ये ते सर्व शरीर व्यापी होते हैं, लेकिन फिर भी सर्व शरीर व्यापी होते हुए भी इनके क्या होते हैं, विशेष स्थान होते हैं। और अगर ये विशेष स्थान से किसी छोड़कर, अपने विशेष स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान में चल जाते, तो हम ये बोलते हैं कि दोषों का क्या हो गया है, गमन हो गया है। ये दोष जो होते हैं अपने स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर चल गए, और जब ये अपने स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर चल जाते हैं इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई विकृति पैदा हो गई है ना। और जब दोषों में विकृति पैदा होती है तो इससे क्या होता है, कोई ना कोई क्या होती है, डिजीज होती है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इन ये सारे जो दोष हैं अगर मान लो क्या होते हैं, दूषित हो जाते हैं। दूषित कैसे होते हैं, हो सकता है अपने स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चल गए, तो इन्हें हम क्या बोलते थे, दोष बोल देते हैं। तो तथ्य यह है कि ये पहले क्या होती है, धातु होती है, बाद में क्या होता है, ये दोष होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये धातु भी है, ये मल भी है। और यहाँ पर बताया गया कि अगर हम स्वस्थ रहते हैं तो ये क्या कहलाती है, वातपित्त कफ धातु कहलाते हैं। और जब ये शरीर को क्या करते हैं, दूषित करते हैं, तो क्या कहलाते हैं, दोष कहलाते हैं। और अगर मान लो शरीर को मलिन करते हैं तो क्या कहलाते हैं, मल कहलाते हैं। मतलब वात पित्त कफ धातु भी है, दोष भी और मल भी है, लेकिन इनको किसकी संज्ञा दी गई है, दोष की संज्ञा दी गई है। मतलब अगर हम नाम से देखें तो वात दोष बोल देते हैं, पित्त दोष बोल देते हैं, कफ दोष बोल देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दोष है, ये क्या है, धातु भी है, मल भी है, और क्या है, ये दोष भी है। दोष कब है, जब हमारे शरीर को दूषित करती है, लेकिन दोष से पहले क्या है, ये धातु है। ठीक है, बहुत डीप बातें मैं बोल गया यहाँ पर, मैं शायद आपको समझ में आई होगी, आई होप आ ही गई होगी। ठीक है, तो आ भी जाना चाहिए, क्या है, ये हमारे शरीर को धारण करती है, और जब ये क्या हो जाती है, दूषित हो जाती है, तो क्या कहलाती है, दोष कहलाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोष का कंसेप्ट। और अगर ये क्या कहला, अगर ये क्या हो जाते हैं, अगर ये दोषों की क्या होती है, असाम्य अवस्था होती है हमारे बॉडी में, तब हमको किसी न किसी प्रकार की क्या होती है, विकृति होती है, क्या होती है, डिसीज होती है। और फिर आयुर्वेद में क्या होता है, इन तीनों दोषों को ही अगर मान लो असाम्य अवस्था है, तो इनको साम्य अवस्था लाने के लिए क्या कर ले जाते हैं, हम चिकित्सा करते हैं। ठीक है, अगर मान लो वात का प्रकोप हो गया है तो वात को क्या करना है, आपको समन करना है। अगर पित्त का प्रकोप हो गया तो पित्त को आपको करना है, समन करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, दोष अगर मान लो बढ़ गए तो उनको वापस कम करना है, अगर कम हो गए तो उनको बढ़ाना है। अगर मान लो वात दोष की क्या हो गई है, प्रबलता हो गई है, तो हम ऐसे फिर आहार विहार देते हैं, ऐसे चिकित्सा करते हैं कि वात दोष क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, ये जो तीन दोष होते हैं, दोष की इनको संज्ञा दी गई है, मतलब नाम से इनको हम दोष बोलते हैं, लेकिन पहले क्या है, धातु है, लेकिन जब हमारे शरीर को दूषित करती है तो क्या कहलाती है, दोष कहलाती है। ठीक, तो आई होप आपको दोष का कंसेप्ट समझ में आ गया। तीन शॉर्ट अब देखें तो तीन दोष प्रेजेंट होते हैं, कौन से, वात पित्त कफ। ठीक, लेकिन पहले क्या है, ये धातु है, क्यों, क्योंकि हमारे शरीर को धारण करती है, लेकिन जब ये दूषित हो जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, दोष कहलाते हैं। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं दोषों के शरीर स्थान। तो इन दोषों का शरीर में क्या होता है, विशेष स्थान होता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि ते व्यापिनो अपि, मतलब ये सर्व शरीर व्यापी होते हुए भी, ये तीनों दोष जो होते हैं वो क्या होते हैं, सर्व शरीर,
सर्व शरीर व्यापी होते हुए भी इन तीनों दोषों का क्या होता है, विशेष स्थान होता है। जैसे कि अगर हम बात करें हन्ना बयोर, मतलब नाभि के नीचे किसका किसका स्थान होता है, वात का स्थान होता है, ठीक है। फिर मध्य, मध्य की अगर हम बात करें तो मध्य में किसका होता है, पीत का स्थान होता है। और उधर्व संश्रया, मतलब आपका हृदय से ऊपर किसका स्थान होता है, कफ का स्थान होता है। तो क्या हो गया, ये तीन जो होते हैं सर्व शरीर व्यापी होते हुए भी वाग्भट के अनुसार वात दोष जो होता है वो नाभि के नीचे प्रेजेंट होता है, पित्त दोष जो होता है वो हृदय और नाभि के बीच में प्रेजेंट होता है, और कफ दोष जो होता है क्या होता है, हृदय के उधर भाग में प्रेजेंट होता है, हृदय के ऊपर भाग में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और अगर मान लो अपने विशेष स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान में चल जाते हो तो हम ये बोल देते हैं कि यहाँ पर दोषों की क्या हो गई, असाम्य अवस्था हो गई है। और जो भी दोष असाम्य हो गया है तो उसको क्या करते हैं, साम्य अवस्था में लाने की हम कोशिश करते हैं और ऐसी चिकित्सा करते हैं कि वापस दोष अपने स्थान पर आ जाए, है ना। इस प्रकार से क्या होता है, आयुर्वेद में जो चिकित्सा होती है दोषों के इर्द गिर्द ही रहती है। और दोष अगर मान लो दूषित हो जाते हैं तो हमें किसी प्रकार क्या होती है, डिसीज होती है, ठीक। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं वय आदि के अनुसार दोषों की प्रबलता। अब ये जो दोष होते हैं वो क्या करते हैं, काल के अनुसार हमारे बॉडी में क्या करते हैं, प्रबलता दिखाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारी अगर लाइफ की फेज की अगर हम बात करते हैं या जीवन की अवस्था की बात करते हैं तो आप सभी को पता है जीवन की तीन अवस्था होती है, लाइफ की तीन फेजेस होते हैं, कौन कौन से, ओल्ड एज होता है, यंग एज होता है, सबसे पहले क्या होता है चाइल्डहुड, उसके बाद क्या होता है यंग एज, उसके बाद क्या होता है ओल्ड एज, मतलब बाल अवस्था, बाल अवस्था के बाद कौन सी, यौवन अवस्था, यौवन अवस्था के बाद वृद्धावस्था। तो इन तीनों अवस्थाओं में ही दोष जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रकोप दिखाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं वात दोष की, अगर हम बात करें वात दोष की अगर बात करें तो वात दोष जो होता है वो क्या होता है, बाल अवस्था में, बाल अवस्था सॉरी वात दोष की अगर हम बात करते हैं तो वात दोष जो होता है वो क्या होता है, वृद्धा अवस्था में क्या होता है, अपना क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम पित्त की बात करते हैं तो पित्त दोष जो होता है क्या होता है, मध्य, मध्य बोले तो यौवन अवस्था में क्या होता है, प्रधान होता है। कफ की अगर हम बात करें तो कफ जो होता है वो क्या होता है, बाल अवस्था में प्रधान होता है। वही अगर हम बात करें तो दिन के अंत में, है ना, दिन के अंत मतलब 3 से 6 बजे का जो समय होता है उसमें कौन सा दोष प्रधान होता है, वात दोष प्रधान होता है, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, दिन के मध्य भाग की बात करें तो उसमें क्या होता है, पित्त दोष प्रधान होता है। और अगर हम सुबह सुबह की बात करते हैं तो सुबह सुबह क्या होता है, कफ दोष क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें रात्रि की तो रात्रि का जो अंत भाग जो होता है उसमें वात दोष प्रधान होता है, रात्रि का जो मध्य भाग होता है उसमें क्या होता है, पित्त दोष प्रधान होता है, और रात्रि का जो शुरुआत वाला होता है उसमें कफ दोष प्रधान होता है। वही अगर हम भोजन भोजन करने के बाद क्या होता है, पाचन होता है, तो पाचन के अंत में कौन सा दोष प्रधान होता है, वात दोष प्रधान होता है, मध्य में पित्त दोष प्रधान होता है, और इसके आदि शुरुआत में, है ना, जब पाचन होना शुरू ही होता है तो वहाँ पर कौन सा दोष प्रधान होता है, कफ दोष प्रधान होता है। तो इस तरह से क्या होता है, अलग अलग अवस्था में क्या होता है, दोष जो होते क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। तो अगर हम इन शॉर्ट का सब पूरी चीज़ों को देखें तो क्या हो जाएगा, अंत में वात दोष, मध्य में पित्त दोष, और अगर हम आदि की बात करें मतलब शुरुआत की बात करते हैं तो शुरुआत में क्या होता है, कफ दोष क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, ठीक है। चलिए इसका आप श्लोक भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, वयो होरा त्रिभुक्ता नाम ते अंत मध्यादिगाह क्रमात्, ठीक। चलिए यह श्लोक हालांकि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो आपको याद नहीं करना, ठीक। चलिए उसके बाद, हाँ, ये वाला श्लोक आप याद कर लेना, दोषों के शरीर स्थान ये आप याद कर लेना, ठीक। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट श्लोक जो कि दोष अनुसार अग्नि के भेद। अब देखिए जब हम क्रिया शरीर पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे तो अग्नि जो होती है वो मेनली कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की अग्नि होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक तो होती है कि आपकी जाठर अग्नि, है ना, एक तो क्या होती है आपकी जाठर अग्नि होती है, दूसरा अगर हम बात करते हैं तो धात्वा अग्नि होती है, और तीसरा अगर हम बात करें तो भूत अग्नि होती है, है ना। और इनको भी अगर हम देखें, इनको भी अगर हम डिवाइड करें या क्लासीफाई करें, जाठर अग्नि 1 होती है, धात्वा अग्नि 7 होती है, भूत अग्नि 5 होती है। तो इस प्रकार से टोटल अग्नि जो होती है 13 प्रकार की अग्नि होती है, ठीक है। इनमें से भी अगर हम बात करें जाठर अग्नि की, जो कि कहाँ पर स्थित होती है, कोष्ठ में स्थित होती है, तो कोष्ठ में स्थित ये जो जाठर अग्नि होती है इस पर भी दोष जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी प्रबलता दिखाते हैं। और जाठर अग्नि जो कि कोष्ठ में स्थित होती है
उस समय जिस दोष की क्या होती है, प्रबलता होती है। मतलब जाटर अग्नि जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, देखो कोष्ठ में स्थित जाटर अग्नि पर दोष अपने क्या करते हैं, प्रभाव दर्शाते हैं। तो ये जो जाटर अग्नि होती है इस पर दोष जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपना प्रभाव दर्शाते हैं। और जिस दोष की क्या होती है, प्रबलता होती है, उसी प्रकार की ये जाटर अग्नि हो जाती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, अगर वात दोष की प्रबलता होती है तो ये जाटर अग्नि जो होती है इसे हम क्या बोलते हैं, विषम अग्नि बोलते हैं। अगर पित्त दोष की प्रबलता होती है इसे हम क्या बोल देते हैं, तीक्ष्ण अग्नि बोल देते हैं। अगर कफ दोष की प्रबलता होती है तो मंद अग्नि, और अगर मान लो तीनों दोष की प्रबलता होती है तो इसे हम क्या बोल देते हैं, सम अग्नि बोल देते हैं। तो इस प्रकार से दोष प्रभाव से अग्नि जो होती है कितने प्रकार की होती है, चार प्रकार की होती है, विषम अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि, मंद अग्नि और सम अग्नि। ठीक, तो अगर मान लो वात दोष की प्रबलता है तो विषम अग्नि, पित्त है तो तीक्ष्ण अग्नि, और कफ है तो मंद अग्नि, और अगर तीनों दोष की प्रबलता है या तीनों, हाँ, तो यहाँ पर कौन सी अग्नि हो जाती है, सम अग्नि हो जाती है। ठीक, चलिए, तो इस तरह से अग्नि पर भी दोष जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने प्रभाव दिखाते हैं। और कौन से अग्नि पर, जाटर अग्नि पर। ठीक, चलिए, उसके बाद हम दोष के अनुसार कोष्ठ के भेद। अब कोष्ठ क्या होता है, तो हमारे शरीर में जो भी खाली स्थान होते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, कोष्ठ बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होते हैं, जितने भी क्या होती है, पाचन क्रिया होती है, पाक क्रिया होती है, यह सब होती रहती है। तो जिस प्रकार से अग्नि पर दोष अपना प्रभाव दिखा रहे थे, ठीक उसी प्रकार से कोष्ठ पर भी दोष अपना क्या दर्शाते हैं, प्रभाव दर्शाते हैं। और अगर हम बात करें, अगर मान लो वात दोष प्रधान होता है तो यहाँ पर कोष्ठ जो होता है कैसा होता है, क्रूर होता है। और अगर पित्त दोष प्रधान होता है तो कोष्ठ कैसा होता है, मृदु होता है। अगर कफ दोष प्रधान होता है तो मध्यम कोष्ठ होता है। अगर तीनों दोष की क्या होती है, प्रधानता होती है, तो कोष्ठ कैसा होता है, यहाँ पर मध्यम कोष्ठ होता है। इसका आप श्लोक भी यहाँ पर देख सकते हैं, कोष्ठ क्रूर रोह मृदु और मध्यो मध्य शात्य समयरपि। ठीक, चलिए, अब ये भी श्लोक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, दोष अनुसार अग्नि के भेद, इसका भी आप श्लोक देख सकते हैं, तैर्व वे दिवस्मस्तिक तीक्ष्णो मंदस अग्नि शमय शमः। ठीक, चलिए, अब हम बात करते हैं अगला, प्रकृति निर्माण एवं वेद। अब प्रकृति क्या होता है, तो देखिए, जब क्या होता है, गर्भ काल में शुक्र जो होता है आर्तव से मिलता है। जैसे कि मान लो ये क्या है, ये क्या है, शुक्र है ना, और ये क्या है, आर्तव है। ये क्या है, शुक्र है, और ये क्या है, आर्तव है। तो गर्भ काल में क्या होता है, जब शुक्र जो होता है आर्तव से मिलता है तो आपको पता है गर्भ का निर्माण होता है। और तो इस समय जब क्या होता है, शुक्र आर्तव से क्या होता है, संयोग करता है, उस समय जिस दोष की क्या होती है, प्रबलता होती है, तो उसी दोष के समान इस गर्भ की क्या हो जाती है, प्रकृति हो जाती है। जैसे कि अगर मान लो शुक्र आर्तव से मिल रहा था उस समय, अगर मान लो दोष दो वात दोष की अगर मान लो क्या होता है, अगर मान लो वात दोष की प्रबलता होती है तो वातज प्रकृति हो जाती है इस गर्भ की। अगर मान लो पित्त दोष की प्रबलता होती है तो पित्तज प्रकृति हो जाती है ना। और अगर मान लो कफ दोष की प्रबलता होती है तो कफज प्रकृति हो जाती है। तो इस प्रकार से गर्भ काल में जब शुक्र जो होता है आर्तव से क्या करता है, संयोग करता है, तो उस समय जिस दोष की क्या होती है, प्रबलता होती है, ठीक उसी के समान क्या होता है, उस गर्भ की क्या होती है, प्रकृति हो जाती है। और वातज प्रकृति जो होती है वो कैसी प्रकृति होती है, हीन प्रकृति होती है। पित्तज की अगर हम बात करें तो कैसे होती है, मध्यम प्रकृति होती है। और अगर हम कफ की बात करें तो कफ जो होता है ये क्या होती है, उत्तम प्रकृति होती है, या श्रेय है ना, ये क्या होती है, उत्तम प्रकृति होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, शुक्र आर्तव वस्थिर जन्म आदो विषणेव विषक्रिमेह। तो जब शुक्र जो होता है आर्तव से क्या करता है, संयोग करता है, तो उस समय जिस दोष की क्या होती है, प्रबलता होती है, ठीक उसी समान या उस दोष के समान उस गर्भ की क्या हो जाती है, प्रकृति हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तेष्व तिस्र प्रकृतयो हीन। अगर मान लो वात दोष की प्रबलता है गर्भ के समय, गर्भ काल के समय, तो वहाँ पर कौन सी प्रकृति होगी, वातज प्रकृति होगी, जो कि कैसी होती है, हीन प्रकृति होती है। फिर अगर मान लो पित्त दोष की प्रबलता है तो पित्तज प्रकृति होगी, जो कैसे होगी, मध्यम होती है। ठीक है, और उसके बाद अगर मान लो कफ दोष की प्रबलता होती है तो उत्तम प्रकृति होती है। कफज प्रकृति जो होती है कैसे प्रकृति होती है, उत्तम प्रकृति होती है। और जब प्रकृति होती है ठीक उसी प्रकार होती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, विषणेव विषक्रिमेह। तो ठीक उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से एक विषैला कीट जो होता है, एक विषैला कीट जो होता है तो वो विष जो होता है उसको अफेक्ट नहीं करता है ना। जैसे कि मान लो सांप है तो सांप क्या करता है, विषैला होता है, तो उसका विष जो होता है वो सांप को अफेक्ट नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार से
किसी भी मनुष्य की जो प्रकृति होती है तो उसकी प्रकृति जो होती है उससे उस मनुष्य को कोई भी हानि नहीं होता है। तो ऐसा यहाँ पर बताया गया है कि जिस भी इंसान की जो प्रकृति होती है उस प्रकृति से जिस प्रकार एक विषैला कीट जो होता है उसके विष से उसको हानि नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से जिस मनुष्य की जो प्रकृति होती है उससे उसको कोई भी हानि नहीं होती है। और इस प्रकार से तीन प्रकार की प्रकृति होती है, जिसमें से वात प्रकृति जो होती है हीन प्रकृति होती है, पित्त प्रकृति जो होती है मध्यम प्रकृति होती है, और कफ प्रकृति जो होती है वो क्या होती है उत्तम प्रकृति होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गर्भकाल के समय जब शुक्र और आर्तव संयोग के समय जिस दोष की क्या होती है प्रबलता होती है उसी के अनुसार, अगर मान लो वात दोष के तो वातज प्रकृति जो कि हीन होती है, पित्त दोष की प्रबलता है तो पित्तज प्रकृति जो कि मध्यम होती है, कफ दोष की प्रबलता है तो कफज प्रकृति जो क्या होती है उत्तम होती है। इस प्रकार से तीन प्रकृतियों का क्या होता है निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं वातज प्रकृति इसका गुण कैसा होता है हीन प्रकृति होती है, पित्तज मध्यम होती है, कफज उत्तम होती है। और अगर मान लो त्रिदोषज मतलब वातज पित्तज और कफज तीनों दोष क्या है प्रकृति है, तीनों दोष की अगर मान लो प्रकृति है तो सबसे श्रेष्ठ प्रकृति होती है। और अगर हम बात करें द्विदोषज, द्विदोषज बोले तो क्या होता है वातज वातज पित्तज प्रकृति है ना, या तो पित्तज कफज प्रकृति, या तो वातज कफज प्रकृति। इस प्रकार से अगर द्विदोषज प्रकृति होती है तो द्विदोषज प्रकृति जो होती है कैसे होती है निंदनीय प्रकृति होती है, ठीक है। हाँ सबसे बेकार प्रकृति जो होती है कौन सी द्विदोष प्रकृति होती है निंदनीय होती है, ठीक। चलिए उसके बाद यहाँ पर वात दोष के गुण भी बताए गए हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें वाग्भट के अनुसार वात दोष के क्या क्या गुण होते हैं, तो वात दोष जो होता है क्या होता है तत्र रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चल अनिल, ये इसका क्या श्लोक है, तत्र वात दोष जो होता है वो कैसा होता है रुक्ष होता है, लघु होता है, शीत होता है, खर होता है, सूक्ष्म होता है, चल होता है और अनिल होता है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें ये गुण जो है आपको याद होना ही चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ठीक। तो वात दोष पित्त दोष और कफ दोष इन तीनों के गुण क्या होते हैं आपको याद होना चाहिए, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं पित्त दोष के क्या गुण होते हैं, तो पित्तम पित्त जो होता है वो कैसा होता है स स्नेह होता है, तीक्ष्ण होता है, उष्ण होता है, लघु होता है, विश्रम होता है, सरम होता है, और कैसा होता है द्रवम होता है, ठीक। हाँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं है ना स स्नेह तीक्ष्ण उष्ण होता है, लघु होता है, विश्र होता है, सर होता है, और कैसा होता है ये दर होता है। सर का मतलब क्या होता है फ्लोइंग फ्लोइंग है ना। द्रव द्रव की बात करते हैं तो द्रव मतलब क्या होता है लिक्विड। उष्ण की बात करते हैं उष्ण मतलब कैसा होता है हॉट होता है, ठीक है। इस तरह से तो ये सारे गुण आपको क्या होते हैं याद होना ही चाहिए। लघु मतलब क्या होता है लाइट होता है, ठीक। तो सारे गुण आपको याद होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कफ दोष की, तो कफ दोष के क्या गुण होते हैं स्निग्ध होता है, शीत होता है, गुरु होता है, मंद होता है, संलक्षण होता है, मृतस्न होता है, स्थिर होता है और कफ होता है। तो इस प्रकार से ये क्या होते हैं कफ दोष के गुण होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर वात जो मतलब दोष से रिलेटेड जो टॉपिक है हमने सारे टॉपिक को यहाँ पर आज के इस लेक्चर में पूरा कवर कर लिया है। अब आयुष्कामी अध्याय के दो लेक्चर और आएंगे तो हम इस तरह से पूरा टॉपिक जो क्या कर देंगे जो प्रथम अध्याय हमारा वो कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस तरह के ऑनलाइन एजुकेशन का बेस्ट एजुकेशन का क्या मिले बेनिफिट मिल सके, ठीक है। और साथ में मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और हाँ एक बार है ना आप रिव्यू जरूर दे दिया करो, मतलब कि किस प्रकार से लेक्चर आ रहे हैं, ठीक है। जैसा भी रिव्यू हो आपको जैसा भी लगे उस प्रकार से आप रिव्यू दीजिए ताकि मैं भी अपने आप में क्या लाऊँ इंप्रूवमेंट लाऊँ, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय सी यू अगेन।